माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर रियल नंबर्स में थ्योरम 7 को प्रूफ करूंगा। इसके ठीक पहले थ्योरम 6 तक पढ़ा चुके हैं, तो अब थ्योरम 7 को आप देखें। Prove that mod A less than equal to L imply minus L less than equal to A less than equal to L। इसे इस ढंग से याद करना चाहिए, यदि A का mod less than equal to L है तो यह imply करेगा कि mod के within जो number A है उसको पहले आप लिख लीजिए, और ये less than का जो sign है A के left में भी लगाइए और right में भी, और एल में इधर माइनस इधर प्लस। इस ढंग से इसको आप मेमोरी में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए इसका प्रूफ, तो इसके लिए मोड ए का डिफिनेशन आपको लिखना होगा। बाय डिफिनेशन मोड ए इज इक्वल टू प्लस है, पढ़ा चुके हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड मोड इज इक्वल टू माइनस है इफ ए इज लेस देन जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। अब यहां तो ए क्या है, कोई रियल नंबर है, अंडरस्टूड है, इसलिए दो केस पर विचार करेंगे, पहला ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा ए लेस देन जीरो। इसे पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो लिखिए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो then mod A less than equal to L implies, जब A greater than equal to zero है तो mod A is equal to plus A है, इसलिए mod A की जगह लिखेंगे plus A less than equal to L implies, plus A का मतलब only A less than equal to L, इसका नाम दे दें वन, फिर इसको लें इफ ए इज लेस देन जीरो, इफ ए इज लेस देन जीरो देन मोड ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज, इफ ए इज लेस देन जीरो देन मोड ए इज इक्वल टू माइनस ए, इसलिए मोड ए की जगह लिखेंगे माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल। सब डिफिनेशन से हो रहा है। अब दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया तो प्लस से हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और एल में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, ये रूल आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यदि दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। इसका नाम दे दीजिए सेकंड। अब वन और टू को कंबाइन कीजिए, हेंस फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, यहां देखिए रिजल्ट आपको लाना है, माइनस एल देखिए पकड़िए, टू से लिखा जाए माइनस एल लेस देन और इक्वल टू ए, और वन से लिखा जाए ए लेस देन इक्वल टू एल, दोनों को कंबाइन कर दिया,
देखिए यही रिजल्ट आपको लाना था, आ गया। सो यदि मोड ए लेस देन और इक्वल टू एल होगा तो यह इंप्लाई करेगा यह चीज माइनस एल लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एल, और यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ्ड, तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाया, और इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोड ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज माइनस एल लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू प्लस एल। याद रखने का तरीका यही है कि मोड के अंदर में जो नंबर ए है उसको आप लिख लें, और लेस देन इक्वल टू का साइन ए के लेफ्ट में भी लगाएं और राइट में भी, और इस एल में इधर माइनस लगाएं इधर प्लस। तो उसको मेमोराइज करने का मेथड भी आपको बता दिया, तो लिख दीजिए सी टी एम कॉमिट टू मेमोरी, इसको मेमोरी में रखें। अब थ्योरम एट को देखें, प्रूव दैट मोड एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज ए माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस एल। देखिए मैं बताता हूं इसको कैसे आप याद रखेंगे। मोड के विदिन आप देख रहे हैं एक्स माइनस ए है, इसमें यही ध्यान दीजिएगा कि इसी एक्स को आप पहले लिख लेंगे और लेस देन इक्वल टू का साइन इसके लेफ्ट में भी लगाएं और राइट में भी लगाएं, फिर इसके लेफ्ट में क्या लिखें तो ए माइनस एल, राइट में ए प्लस एल। इस ढंग से आप आसानी से याद रख सकते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए इसका प्रूफ, इसका भी प्रूफ इसी के डिफिनेशन से होगा, यही प्रोसेस है। बाय डिफिनेशन मोड एक्स माइनस ए, बताइए क्या होगा, यहां मोड एक्स नहीं है, मोड एक्स माइनस ए है, तो मोड एक्स का जो डिफिनेशन है वही अप्लाई कीजिए। हम जानते हैं कि मोड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू प्लस एक्स के जगह एक्स माइनस ए है, तो वही प्लस एक्स के जगह हो जाएगा एक्स माइनस ए इफ मोड के अंदर जो है एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, और यह माइनस लग जाएगा एक्स माइनस ए में माइनस एक्स माइनस ए। लेकिन ये कब होगा, यदि मोड के अंदर की जो चीज है x माइनस ए लेस देन जीरो होगा, तो मोडिस का जो डिफिनेशन है उसी में x के जगह x माइनस ए का प्रयोग किया गया, बस और कुछ नहीं। अब एक बार इसको लें एक बार इसको लें, तो पहले एक तरह लिखें इफ x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मोड x माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज, तो जब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप देख रहे हैं कि मोड x माइनस ए का वैल्यू ये है, तो इसके जगह यही लिखना होगा प्लस x माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल। दिस इंप्लाइज, अब प्लस की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए x माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज
देखिए आपको x लाना है तो x लेस देन इक्वल टू, अब माइनस से उधर चला गया तो प्लस से हो गया a प्लस l। देखिए इस रिजल्ट को मैं ला दिया, इसका नाम दिया जाए वन। अब इसको पकड़िए, यही प्रोसेस है, इफ x माइनस a लेस देन जीरो देन मोड x माइनस a लेस देन इक्वल टू l इम्प्लाइज, जब x माइनस a जीरो से लेस है, x माइनस a जीरो से लेस है तो मोड x माइनस a इज इक्वल टू, देखिए माइनस x माइनस a है लेस देन इक्वल टू l। स्टेप बाय स्टेप सावधानी से लिखिए। अब यहाँ फिर माइनस से दोनों और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इंक्लूजिव चेंज कर जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा। तो माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स माइनस है, इधर भी एल में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एल हो गया। अब लेस देन बदल गया ग्रेटर देन में, तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। दिस इम्प्लाइज अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब माइनस से उधर चला गया तो प्लस है ए माइनस एल हो गया। इसका नाम दे दें दो। अब वन टू को कंबाइन कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। हेंस फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, पहले टू से लिखिए, देखिए पहले ए माइनस एल है, इसको लिखिए टू से, आप लिख सकते हैं a माइनस एल लेस देन और इक्वल टू x, और फिर वन से लिखिए x, देखिए यहाँ x है लेस देन इक्वल टू a प्लस एल, तो वन टू को कंबाइन करके लिख दिया और देखिए यही रिजल्ट लाना था आ गया। सो लेकिन रिजल्ट कब आया, जब मोड x माइनस से लेस देन इक्वल टू एल लेकर चले थे। सो मोड x माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एल, ये फाइनल इंप्लाई कर दिया a माइनस एल लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a प्लस एल, और यही प्रूफ करना था। इस रिजल्ट को आप मेमोरी में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोड एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज, याद करने का तरीका क्या है, एक्स को पहले आप लिखिए मिडिल में और लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए दोनों पट्टी, दोनों तरफ लेस देन इक्वल टू लगा दीजिए। उसके बाद ए माइनस एल लेफ्ट साइड में लिखिए और a प्लस एल राइट साइड में लिखिए। इस मेथड से इसको आप आसानी से मेमोरी में रख सकते हैं, और लिख दीजिए CTM कॉमिट टू मेमोरी से याद रखें। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने मैं रख रहा हूं, वो भी इसी रिजल्ट से फॉलो होगा। देखिए मैं रिमार्क में लिख देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ा है याद कीजिए, मोड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन होता है। आप जानते हैं कि साइन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू वन होता है, और तब यह इंप्लाई क्या करता है, इस रिजल्ट के पहले एक और रिजल्ट आपको प्रूफ किया है उसको ये फॉलो करता है। देखिए मैं दिखला रहा हूं, इसको मन में आप ए रखें, इसको ये समझें। तो आपको हम पढ़ाए हैं इसके ठीक पहले प्रूफ दे चुके, मोड ए
लेस देन इक्वल टू एल क्या इंप्लाई करता है? इसको याद करने का तरीका था कि ए को मिडिल में लिख लेंगे, लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ लगा देंगे, और लेफ्ट में एल में माइनस लगाएंगे, राइट में एल में प्लस, यानी एल। तो देखिए इसी रिजल्ट को ही फॉलो करेगा। एक जगह पर यहाँ साइन एक्स है तो हो गया मोड लेस देन इक्वल टू वन, और एल की जगह देखिए वन है, तो क्या इंप्लाई करेगा? तो मोड के अंदर में एक जगह साइन एक्स है, इसलिए मिडिल में आप साइन एक्स लिखिए, फिर लेस देन इक्वल टू लगाइए लेफ्ट में भी और राइट में, और एल की जगह देखिए वन है तो वन में माइनस लगाएंगे, इधर प्लस। यही तो होता है रिजल्ट, अब जानते हैं। तो आप हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में इस रिजल्ट को लिखा करते हैं, साइन एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। लेकिन आज आपने क्या सीखा कि आखिर क्या कारण है कि इससे हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट, तो इस रिजल्ट से फॉलो हुआ। और ठीक इसी प्रकार कॉस का भी है। अब जानते हैं मोड कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू वन होता है, तो फिर यह इंप्लाई करेगा मोड के अंदर में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दें, लेस देन इक्वल टू दोनों ओर लगा दें, और वन में इधर माइनस वन, इधर प्लस। देखिए तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। अब मैं आपको एक और सुंदर चीज बताता हूं, इस रिजल्ट का प्रूफ, इसके डिफिनेशन को लेकर हमने किया, ये डायरेक्ट प्रूफ हुआ। अब इसी का प्रूफ हम इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ पहले कर चुके हैं ठीक इसके पहले, और इसी के जरिए इसका हम प्रूफ कर सकते हैं। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रूफ। तो अब इसका मैं एक अदर प्रूफ भी देता हूं, तो इसका अल्टरनेटिंग प्रूफ एलिटर। वी नो दैट, हम जानते हैं, इस रिजल्ट के पहले मैं एक रिजल्ट प्रूफ कर चुका हूं, उसी को लिख रहा हूं, वी नो दैट मोड ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज ए लाइज बिटवीन माइनस एल एंड प्लस एल। इसको आप पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ आपको मैं दे चुका, अब इसी की सहायता से इसको प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, तो यहां ए है, यहां है एक्स माइनस ए, तो देख रहे हैं कि ए की जगह एक्स माइनस ए है, इसलिए इसी रिजल्ट में दोनों ओर हम ए की जगह रख देना चाहते हैं एक्स माइनस ए। रखिए तो ए की जगह रखा x माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज, तो इधर भी a की जगह रखना होगा x माइनस ए, a की जगह रख देंगे x माइनस ए लेस देन इक्वल टू, इधर भी लेस देन इक्वल टू और माइनस एल, इधर प्लस एल। तो क्लियर हो गया, ठीक इससे ये फॉलो हुआ, केवल इस रिजल्ट में ए की जगह रखा गया एक्स माइनस ए, यहां भी ए की जगह रखा गया एक्स माइनस। दिस इंप्लाइज, अब थ्रू आउट ए आप ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए ऐड कर दिया, इसमें भी ए ऐड कर दीजिए,
इसमें भी ए ऐड कर दिया, एडिंग ए थ्रू आउट द इनइक्वलिटी। हो गया ए माइनस एल लेस देन इक्वल टू, तो ए और माइनस ए कट गया, कैंसिल हो गया, बचा केवल एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस एल। देखिए तो आ गया रिजल्ट, देखिए तो बहुत जल्दी आ गया। शॉर्टेस्ट प्रूफ हो गया। सो मोड एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल इंप्लाइज ए माइनस एल लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस एल। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ प्रूव्ड। तो मॉडुलस पर बेस्ड थ्योरम्स को मैंने प्रूफ कर दिया, फिनिश हो गया। अब मॉडुलस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखें। प्रॉब्लम वन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ 6 माइनस 5 रूट 2, पाई माइनस 3, 3 पाई माइनस 10। एब्सोल्यूट वैल्यू कहें चाहे मोड कहें एक ही बात है। तो पहला आपका है 6 माइनस 5 रूट 2, तो 6 माइनस 5 रूट 2 को सिंप्लीफाई कीजिए। 6 माइनस 5 इंटू रूट 2 का मतलब अब जानते हैं 1.414 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई की जगह तो आ जाएगा 7.07 इज इक्वल टू, अब इसमें से कराइए तो माइनस 1.07 करेक्ट, और ये नेगेटिव है इट मीन्स लेस देन जीरो। तो देखिए क्लियर हो गया, हेंस 6 माइनस 5 रूट 2 लेस देन जीरो आया। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं मॉडुलस का डेफिनेशन, यदि इसको आप थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लें तो जब एक्स लेस देन जीरो तो मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आपने पढ़ा है, तो एक्स की जगह है 6 माइनस 5 रूट 2। तो सिंस दिस इज लेस देन जीरो सो मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस दिस हो जाएगा। देखिए समझने के लिए मैं आपको लिख देता हूं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है कब, इफ मोड के अंदर जो एक्स है वह जीरो से लेस हो। बस यही चीज तो यहां है, इसको एक्स समझे तो एक्स लेस देन जीरो है, और जब एक्स लेस देन जीरो है तो क्या इंप्लाई करेगा मोड इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वही एक्स की जगह ये है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, तो इसके अनुसार ये लिखा गया, क्लियर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 5 रूट 2 और माइनस 6, इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूट 2 का पहले जगह, नहीं तो छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो गया। तो इसका मॉडुलस निकालना था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया। अब इसका देखिए पाई माइनस 3, पाई माइनस 3 को सिंप्लीफाई कीजिए, पाई का मतलब 22/7 होता है 22/7 माइनस 3, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 3.14, आप जानते हैं
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। अब इसमें से इसको घटा लें तो 0.14 होगा। स्पष्ट है कि ये पॉजिटिव है, सो ग्रेटर देन जीरो, हेंस पाई माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब चूंकि यह नंबर जीरो से ग्रेटर है इसलिए इसका मोड क्या होगा, सोचिए। तो आपको बताया है कि जब एक्स जीरो से ग्रेटर होता है तो मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होता है, तो एक्स की जगह पाई माइनस थ्री है तो मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, तो पाई माइनस थ्री में प्लस लगा दीजिए। समझना चाहते हैं तो लिख दीजिए, सेंस इसको मन में आप एक्स रखें, लिख दीजिए सेंस मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स के जगह देखिए यहां पाई माइनस थ्री है, सिंस पाई माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो सो पाई माइनस थ्री का मोड पाई माइनस थ्री में प्लस लग गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब तो कुछ नहीं, सिंपल हो गया, प्लस को हटा दीजिए पाई माइनस थ्री। अब पाई का वैल्यू दे करके आगे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया। फिर आगे देखिए 3π-10, यही बनाने का तरीका है, 3π-10 तो सिंप्लीफाई कीजिए, 3 × π का वैल्यू रख दीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 और -10, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 9.42 और -10। घटाने की भी जरूरत नहीं है, देखिए इस नंबर से नंबर ग्रेटर है और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो जब इसमें इसको सेपरेट करेंगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, इसलिए लिख दीजिए लेस देन जीरो। अब देखिए फाइनल क्या हो गया, 3π-10 लेस देन जीरो। अब इस प्रॉपर्टी को लगाइए, इफ एक्स लेस देन जीरो देन मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, सिंस दिस इज लेस देन जीरो इसको मन में एक्स रखिए तो इम्प्लाई करेगा मोड एक्स, एक्स की जगह 3π-10 इफ एक्स इज लेस देन जीरो देन देखिए मोड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस दे करके एक्स की जगह ये पूरा लिख दीजिए 3π-10, तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होकर के प्लस 10 और -3π आंसर। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर। अब समझ गए होंगे क्या प्रोसेस है निकालने का। अब प्रॉब्लम 2 देखें, सॉल्व द इक्वेशन मोड 3x-5 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज मोड 3x-5 इज इक्वल टू 0, थ्री एक्स माइनस फाइव का मोड 0 के इक्वल है, यह क्या इंप्लाई करेगा बताइए, यह इंप्लाई करेगा कि मोड के अंदर जो है क्वांटिटी 3x-5 यह अवश्य 0 है। क्यों, तो देखिए सेंस यदि इसको हम ए समझें, सिंस मोड ए इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 0, तो क्लियर है ए का मोड 0 तभी ना होगा जब ए 0 होगा, क्योंकि इस ए की जगह 0 रखेंगे तो 0 का मोड 0 होता है, तो इसी से ही फॉलो हुआ क्योंकि इसका मोड 0 है इसलिए यह
अवश्य जीरो होगा। देखिए ब्रैकेट में मैं आपको समझा दिया वजह। दिस इंप्लाइज दैट, अब तो कुछ नहीं है, फाइव इधर चला आया, एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब है? या नॉन क्वांटिटी एक्स का आपको वैल्यू निकालना, निकल गया, यही सॉल्यूशन हुआ। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम थ्री, सॉल्व द इक्वेशन मोड टू एस माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखिए इधर राइट साइड में जीरो है, यहां नॉन जीरो रियल नंबर है, यहां जीरो है। तो जीरो रहने पर इसका यूज करेंगे आप, लेकिन यदि नॉन जीरो नंबर है राइट साइड में, लेफ्ट में मोड है, तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस अलग है। इसमें आपको दो केस लेकर चलना होगा। पहला केस यह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस लेस देन जीरो, यही प्रोसेस है। तो लिखिए इफ मोड के अंदर का क्वांटिटी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यदि यह ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तब मोड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 जो गिवन इक्वेशन है, यह क्या इंप्लाई करेगा बताइए। आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसमें प्लस लगेगा, तो आ गया प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। थोड़ा समझने के लिए मैं फिर लिख देता हूं, सेंस वी नो मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ मोड के अंदर का जो क्वांटिटी एक्स है वह जीरो से ग्रेटर हो, और इक्वल भी लिख सकते। आप जानते हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने पर मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होता है, तो वही तो है। एस के स्थान पर यहां 2x माइनस 3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसलिए 2x माइनस 3 का मोड इसमें प्लस लग जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 चला गया उधर प्लस में इक्वल टू 8 इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। इस केस में अब लीजिए व्हेन दिस लेस देन 0, लिखिए इफ 2x माइनस 3 लेस देन 0 देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज, क्योंकि मोड के अंदर की चीज जीरो से लेस है इसलिए इसका मोड माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। देखिए मैं लिख देता हूं, सेंस वी नो मोड इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यही वजह है। तो x की जगह है 2x माइनस 3 जो जीरो से लेस है, इसलिए 2x माइनस 3 का मोड क्या होगा, तो माइनस लग जाएगा, भाई माइनस लग गया इसमें। दिस इंप्लाइज अब माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x माइनस 3 माइनस 5, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 3 इधर आ गया प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया तो माइनस 1, इसलिए एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ 4 आया, इस केस में माइनस 1 आया, 4 और माइनस 1। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके
अननोन क्वांटिटी एक्स का वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू आ गया 4 और माइनस 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखें प्रॉब्लम 4, सॉल्व द इक्वेशन मोड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, इफ मोड के अंदर में आपका है 1 माइनस एक्स, तो मोड के अंदर भी जो चीज है 1 माइनस एक्स, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन इक्वेशन मोड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज। देखिए गौर से, मोड के अंदर में है 1 माइनस एक्स और यह 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप ले रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड के अंदर में जो है उसमें प्लस लग जाएगा, तो प्लस हो गया 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस्ट ऊपर आपको सब स्पष्ट कर चुके, अब धर धर बढ़िए, तो हो गया 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2, तो x का वैल्यू निकल गया इस केस में। अब आपको बताया लीजिए, इफ 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0, इन दिस केस द इक्वेशन 1 माइनस एक्स मोड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज। तो देखिए मोड के अंदर में 1 माइनस एक्स 0 से लेस है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन 0 केस में बता चुके कि इसमें माइनस लग जाएगा, मोड के अंदर जो रहेगा उसमें माइनस लग जाएगा, तो गया माइनस 1 माइनस एक्स, ये क्या रखना है इक्वल टू 0। अब माइनस दोनों और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स 0, कैंसिल हो गया एक्स एक्स आ गया 1 इज इक्वल टू 0। देखिए तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो लिख दीजिए विच इज फॉल्स, जो फॉल्स है ट्रू नहीं है। तो इस केस में फॉल्स रिजल्ट आ गया है, इट मीन्स एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो केवल एक्स का यही वैल्यू मिला, तो लीजिए हैंस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज द ओनली सॉल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम 5, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें ध्यान दें, ये टर्म मोड एक्स है, इसमें मोड नहीं है, आपको बताए थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स का स्क्वायर, इसको पहले मोड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मैं बताता हूं, गिवन इक्वेशन इज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं मोड एक्स का स्क्वायर प्लस मोड एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वाई बताइए, इसलिए सेंस आपको मैं पढ़ा चुका हूं, याद कीजिए मोड एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रूफ मैं दे चुका हूं,
इसलिए दोनों स्क्वायर कर दीजिए तो रूट खत्म हो गया। इसलिए आप इस रिजल्ट का डायरेक्ट यूज कहीं भी कर सकते हैं। ये क्या कहता है, मोड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह मोड एक्स का स्क्वायर लिखा। दिस इंप्लाइज अब मोड एक्स को जेड मान लें तो जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, वेयर जेड इज इक्वल टू मोड एक्स। इसको ले सकते हैं जेड स्क्वायर, जेड की जगह लिखिए 4z माइनस 3z इज माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। कॉमन ले लीजिए जेड, जेड प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, जेड प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज जेड प्लस 4 इंटू जेड माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस 4 और 3। दिस इंप्लाइज जेड की जगह मोडेक्स माने थे तो वैल्यू दे दीजिए मोडेक्स इज इक्वल टू माइनस 4 3। अब लॉजिक दीजिए, आपको मैं पढ़ा चुका हूं मोडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो लॉजिक पेश कीजिए बट मोडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये पहले आपको पढ़ा चुके हैं प्रूफ। सो मोडेक्स जीरो के इक्वल या ग्रेटर होता है, यानी जीरो से लेस नहीं होगा। सो मोडेक्स कैन नॉट बी लेस देन जीरो। जीरो से लेस नहीं मतलब नेगेटिव नहीं, दैट इज मोडेक्स इज नॉट नेगेटिव। मोडेक्स नेगेटिव नहीं, तो जब मोडेक्स नेगेटिव नहीं तो मोडेक्स का वैल्यू माइनस 4 संभव नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू को। हैंस रिजेक्ट इन मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 वी गेट मोड एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसके आगे देखिए, मोड के अंदर में एक्स आ गया, अब फिर लॉजिक दीजिए इफ मोड के अंदर की चीज एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आपको पढ़ा चुके हैं तो मोड एक्स इक्वल टू 3 क्या इंप्लाई करेगा, आपको पढ़ा चुके हैं इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स, मोड के डिफिनेशन से। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। फिर लिखिए इफ मोड के अंदर की जो चीज है एक्स यदि जीरो से लेस होगा, आपको पढ़ा चुके हैं व्हेन एक्स लेस देन जीरो देन मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। सो मोड एक्स इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज मोड एक्स की जगह माइनस एक्स आप प्रयोग कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स इक्वल टू माइनस 3। इसलिए एक्स का वैल्यू 3 या माइनस 3 मिला, यानी प्लस 3 मिला या माइनस 3 मिला। इसलिए आप लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू मिला करके कंबाइन करके प्लस माइनस 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन तो निकाल दिया, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आपके सामने था मोड एक्स इज इक्वल टू 3, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करके एक्स का रिजल्ट निकाला तो आया प्लस माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि मोड के अंदर में यदि एक्स है इक्वल टू कोई कांस्टेंट थ्री है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो मोड के अंदर में जो एक्स है उसका वैल्यू होगा इसी थ्री में प्लस माइनस लगा दें। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, ये शॉर्ट में आपको बहुत जगह काम देगा। मोड एक्स इक्वल टू के, थ्री की जगह कोई कांस्टेंट के लिया, हेंस मोड एक्स इज इक्वल टू के इंप्लाइज अब मोड के अंदर में जो एक्स है इसका वैल्यू क्या होगा, तो के में लगा दीजिए प्लस माइनस। दिस रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज मैथमेटिक्स के हर फील्ड में होता है, हर जगह होता है। यहां फुल एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, कॉमिट टू मेमोरी से एकदम याद रखेंगे। जब भी मोड के अंदर में कोई क्वांटिटी एक्स है आर इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, यदि मोड हटाना चाहते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हिक्के में लगा देंगे प्लस माइनस। फॉर एग्जांपल देखिए, यहां ऊपर क्लियर हो चुका है के की जगह यदि थ्री है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। उसी तरीके से यदि मोड एक्स इज इक्वल टू सिक्स है तो इंप्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सिक्स ETC। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। प्रॉब्लम सिक्स देखें, सॉल्व द इनइक्वालिटी मोड एक्स माइनस थ्री लेस देन टू। इसके पहले जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया वो इक्वेशन था, ये क्या है, लेस देन है, मतलब इक्वेशन नहीं है, इसको इनइक्वेशन कहते हैं या इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका प्रोसेस सीखना है कि इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व द इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन मोड एक्स माइनस थ्री लेस देन टू, तो देखिए इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस लेक्चर में मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मॉडुलस का प्रूफ किया हूं, यदि आप नहीं देखें तो देख लेंगे, उसी का इस्तेमाल होगा। देखिए वी नो दैट मोड एक्स माइनस ए लेस देन एल इंप्लाइज, आपको बताए थे कि ये जो एक्स है इसी पर ध्यान देते हैं, सिखलाया था कि इसी एक्स को लिख देते हैं मिडिल में, यदि लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू लगाइए, यदि लेस देन केवल है तो लेस देन लगाइए दोनों ओर, और लेफ्ट में ए में से एल घटाते हैं, राइट में ए में एल ऐड करते हैं, इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर ऐड करते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं मेरा लेक्चर तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसका प्रूफ मैं दे चुका हूं, आप देख लेंगे, तो इसी रिजल्ट का यहां इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसी उसमें क्या अंतर है, यहां ए की जगह थ्री है, एल की जगह टू है, ए तो है, तो चूंकि इस रिजल्ट को हम पढ़ चुके हैं, हेंस वी कैन राइट मोड ए की जगह थ्री है, एल की जगह यहां टू है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए फट से। दिस इंप्लाई क्या इंप्लाई करेगा, तो मैं आपको सिखाया कि मोड के अंदर में जो एक्स है उसको बीच में लिखें, दोनों ओर लेस देन का निशान लगाएं, और लेफ्ट में थ्री में टू सब्ट्रैक्ट करें, थ्री माइनस टू, राइट में थ्री में टू ऐड करें, थ्री प्लस टू। तो दिस इंप्लाइज थ्री माइनस टू वन इज लेस देन एक्स, 3 प्लस टू 5। इसको आप इंटरवल के रूप में लिखना जानते हैं, x बिलोंग्स टू सेट 3 में आप पढ़ा है ओपन इंटरवल 1 5।
एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1-5 में, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा और 5 से लेस होगा। तो इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया? एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-5, इट मीन्स एक्स के जो वैल्यूज होंगे वो 1 से ग्रेटर होगा और 5 से लेस होगा, मतलब 1 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वे सभी इसके सॉल्यूशन होंगे, इसका मीनिंग है। देखिए प्रॉब्लम 6 में इन इक्वेशन में लेस देन था। अब सवाल उठता है कि यदि इन इक्वेशन में लेस देन के जगह ग्रेटर देन हो तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए इस रिजल्ट को मैं सामने लिख रहा हूं। ये रिजल्ट कहता है कि मोड ए ग्रेटर देन एल, लेस नहीं, मोड ए ग्रेटर देन एल, तो इंप्लाई करेगा मोड के अंदर में जो ए है वह ग्रेटर देन एल होगा और मोड के अंदर में जो ए है लेस देन माइनस एल होगा। तो इस रिजल्ट को मैं पहले प्रूफ कर देता हूं, फिर इसके जरिए ग्रेटर देन वाला जो इनिक्वेशन है उसका सोल्यूशन सिखाऊंगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो देखिए इसका प्रूफ, बाय डिफिनिशन, डिफिनिशन से आप जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, मोड ए इज इक्वल टू प्लस ए इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस ए इफ ए इज लेस देन जीरो। अब फर्स्ट केस को लें, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देन मोड ए ग्रेटर देन एल इंप्लाइज, जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मोड इक्वल टू प्लस है, इसलिए मोड की जगह प्लस लिख देंगे, ग्रेटर देन एल इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन एल, इसका नाम 1 दें। फिर सेकेंड केस, इफ ए इज लेस देन जीरो देन मोड ए ग्रेटर देन एल इंप्लाइज, जब ए जीरो से लेस है तो मोडे माइनस से होता है, इसलिए मोडे की जगह माइनस लिख दीजिए, ग्रेटर देन एल इंप्लाइज, और माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर प्लस ए हो गया, इधर माइनस एल हो गया, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से हो जाएगा लेस। इसका नाम दे दें सेकंड। अब 1-2 को कंबाइन कर दें, हैंस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो 1 से ए ग्रेटर देन एल लिखिए और 2 से ए लेस देन माइनस एल, सो मोड ए ग्रेटर देन एल इंप्लाइज दैट, यही जो आया, ए ग्रेटर देन एल और ए इज लेस देन माइनस एल। तो देखिए इसी रिजल्ट को प्रूफ करना था, मैं प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। प्रूफ करने का क्या टेक्निक है आप समझ गए? अब इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का यूज करके वैसा इनइक्वेशन जिसमें कि ग्रेटर देन है उसको हम सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। अब प्रॉब्लम 7 देखें, सॉल्व द इनइक्वालिटी मोड 2x-3 ग्रेटर देन 3। इसके पहले आपको सिखाया था लेस देन, अब सिखला रहे हैं ग्रेटर देन का केस में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो मैं प्रूफ किया ठीक इसके पहले, उसी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था आपको। ठीक है, लिखेंगे वी नो, उसी रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं। वी नो दैट मोड ए ग्रेटर देन एल इंप्लाइज, मोड के अंदर में जो ए है ग्रेटर देन एल लिखेंगे, और क्या सिखाया था कि मोड के अंदर में जो ए है वो लेस देन माइनस एल, इसको मैं प्रूफ कर चुका ऊपर। तो बस कुछ नहीं, ए के जगह यहां है 2s माइनस थ्री, तो इसी रिजल्ट में ए के जगह 2s माइनस थ्री का यूज करें और एल की जगह 3 का यूज करें। हैंस ए के जगह लिखें 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन एल के जगह 3, तो ए के जगह है 2x माइनस थ्री हो गया, मोड के अंदर का चीज 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन 3, और लिखेंगे मोड के अंदर वाला चीज पकड़िए 2x माइनस थ्री इसके अकॉर्डिंग इज लेस देन माइनस एल, मतलब माइनस थ्री। देखिए ठीक इसके अनुसार ही लिखा गया। अब इसको लेकर आगे बढ़िए, दिस इंप्लाइज 2x ग्रेटर देन 3, इधर प्लस में आ जाएगा 3 प्लस 3 और 2x लेस देन 3, इधर आ जाएगा प्लस में 3 माइनस 3 इंप्लाइज 2x ग्रेटर देन 3 प्लस 3 6, ठीक है, और 2x लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 0। अब इसके बाद देखें, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 3, x 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब 3 से ग्रेटर, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिटी हुआ, तब ना एस का वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा और इन्फिनिटी से लेस होगा। एक्स लेस देन 0 का मीनिंग क्या हुआ, 0 से लेस मतलब एक्स बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से लेस है, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है। तो इस इनइक्वालिटी को ओपन इंटरवल में इस तरह से लिखा जाएगा। इंटरवल भी एक सेट होता है और सेट में आप पढ़े हैं और रहने पर यूनियन होता है, तो x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस मीन्स x बिलोंग्स टू दिस यूनियन दिस, ओपन इंटरवल 3 इंफिनिटी यूनियन ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी 0। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तो आज के इस लेक्चर में मैंने मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यूज पर कुछ थ्योरम्स पढ़ाया और रिमेनिंग सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप दिया। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैंने जो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाकर जो आपको सिखाया, पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट कर दूंगा लिमिट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले मैंने पढ़ाया इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसके बाद मैं पढ़ा दिया आपको रियल नंबर्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉडुलस, और इसके बाद मैं बहुत इम्पोर्टेंट
लेसन पढ़ाऊंगा लिमिट्स, उसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी ये सब चलेगा कंटिन्यूअस वे में। तो आज का लेक्चर मैं फिनिश कर दिया। अब मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।